हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखने वाले तिल एंड गुड़ की करंजी। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इतनी फूली फूली और खस्ता करंजी किस तरीके से बनानी है तो आज हम देखेंगे। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही फटाफट से बनती है करंजी और हर किसी को ये करंजी पसंद आती है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसी कप से मैं 1 कप रवा लेने वाली हूँ। आप चाहे तो सिर्फ मैदे से बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसी कप से 1 कप रवा लिया है और रवा हमें नाइस ही लेना है, बहुत छोटा वाला रवा लेना है। और इसमें हम डालेंगे नमक और अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। और इसी कप से हम लेंगे 1/4 कप घी, और घी को मैंने गरम कर लिया है। और फिर हम इसमें डालेंगे घी को, गरम गरम घी को, और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इसका बहुत अच्छी तरह से मोइन लगना चाहिए, तभी तो करंजी बहुत ही खस्ता बनती है। तो हाथों से मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। और हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बना लेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी हमें डालना है इसके लिए। एक ही बार में आप ज़्यादा पानी डालोगे तो अच्छी तरह से डो नहीं बनेगा, तो इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही डो बनाना है। इसका डो हमें बहुत पतला और बहुत थिक भी नहीं बनाना, मीडियम कंसिस्टेंसी पर हमें इसे बनाना है। और अच्छी तरह से मसल मसल कर हम इसे गूंदेंगे और फिर इसमें घी लगा के हम थोड़ी देर के लिए इसे रखेंगे। अभी हमें इसे बहुत ही पतला गूंद के रखना है। देखिए, थोड़ी देर के बाद ये फूल के आता है तो थिक हो जाता है, इसीलिए अभी थोड़ा सा पतला ही गूंद के हमें रखना है इसे। तो इसे मैं 2 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ, 2 घंटे के बाद ही करंजी बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए 1/2 कप पानी गया, आप चाहे तो आधे घंटे के बाद भी बना सकते हैं। तो अभी यहाँ मैंने व्हाइट तिल लिए है और अच्छी तरह से क्लीन करके हमें इसे लेना है। और इसी कप से मैंने 1 कप लिए हैं। अच्छी तरह से हमें इसे भूनना है, गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है, स्लो गैस के फ्लेम पे ही भूनना है। भूनने के बाद ये फूल के आते हैं और थोड़ा सा पिंकिश कलर आने पर हम इसे गैस को ऑफ करेंगे। लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनना है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है इस करंजी की, और स्पेशली मुझे बहुत ही पसंद है ये तिल की करंजी। हमेशा हम जब तिल को भूनते हैं उस टाइम ये बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, तो इसीलिए बड़ा ही बर्तन लीजिए ताकि ये वेस्ट ना हो। देखिए, परफेक्ट भून चुके हैं, इसी तरीके के फूल के आते हैं तिल। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। तो अभी ये ठंडा हो चुका है, हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे। आप कभी भी याद रखिए, जितना हमने तिल लिया है उसके 1/2 हमें गुड़ को लेना है, लेकिन मैंने यह 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि हमारी यह स्वीट सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब हम इसे मिक्सी में दरदरा पीसेंगे। देखिए, इस तरीके से इसका पाउडर बनाना है, इसी तरीके से दरदरा पीसना है हम। और फिर हम इसमें डालेंगे गुड़ और उसे भी इसके साथ थोड़ा सा पीस लेंगे, तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाता है। इसीलिए गुड़ डालने के बाद हमें इसमें डालना है कार्डमम पाउडर, 1/2 स्पून मैंने यहाँ कार्डमम पाउडर लिया है। आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसे देखिए, इसी तरीके से मैंने दरदरा पीसा है, परफेक्ट इसी तरीके से आपको भी पीसना है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और फटाफट से करंजी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने जो पहले डो बना के रखा था वो लेंगे। अभी ये थोड़ा थिक हो गया है और हम इसी तरीके से इसे खींचेंगे और फिर इसे कट करेंगे, इसके स्मॉल स्मॉल पीस बनाएंगे और उसी से हम करंजी बनाएंगे। मैंने पहले एक करंजी का वीडियो अपलोड किया है, वो अलग मेथड से मैंने उस करंजी को बनाया है। आप चाहे तो वो भी वीडियो देख लेना, फ्रेश कोकोनट की करंजी मैंने बनाई थी। तो इसी तरीके से हमें बेलना है। देखिए, बहुत बड़ा थिक भी नहीं बेलना और बहुत नाइस भी नहीं, मीडियम साइज में हम इसका राउंड बनाएंगे। तो आप चाहे तो इसे करंजी मेकर से बना सकते हैं, नहीं तो हाथों से भी बना सकते हैं।
दोनों किस तरीके से बनाते हैं मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए इसी तरीके से हमें नाप लेना है, तो इतनी बस हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम सारे फटाफट से बना लेंगे, बहुत ज़्यादा भी बनाकर नहीं रखने, नहीं तो ये सूख जाती है। लेकिन एक बात है कि ये तिल की करंजी हम ज़्यादा दिन स्टोर करके नहीं रख सकते, जिस तरह हम कोकोनट की करंजी ज़्यादा दिन स्टोर करके रख सकते हैं उसी तरीके से ये नहीं रहती। तो अभी मैं पहले करंजी मेकर से आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से करंजी बनानी है। तो यह देखिए इस तरीके से हमें मोल्ड को रखना है, देन इसके ऊपर ये स्मॉल पूरी रखेंगे और इसी तरह से हम फिलिंग इसमें भरेंगे। एक ही साइड पे हमें फिलिंग भरनी है और साइड में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि ये पूरी थोड़ी ड्राई हो जाती है बनाने के बाद, इसलिए अच्छी तरह से चिपके इसलिए। तो इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ, बहुत ही ईजी है, जो कोई बिगनर्स है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है ये ट्रिक। फटाफट से बहुत सारी करंजी बन के रेडी हो जाती है। फिर हमें इसके ऊपर और एक बार दबाना है क्योंकि ऑयल में डालने के बाद कभी कभार ये फट सकता है इसीलिए। तो अभी मैं हाथों से किस तरीके से बनाते हैं वो भी दिखा लेती हूँ। तो इसी तरीके से हमें एक ही साइड पर फिलिंग रखनी है, फिर हम पानी लगाएंगे अच्छी तरह से और फिर फोल्ड करेंगे और इसी तरह प्रेस करते हुए हम करंजी को बनाएंगे। अच्छी तरह से दबाने के बाद देखिए ये इस तरीके का स्पून मिलता है, स्पेशली करंजी बनाने के लिए रहता है। और फिर हम इसकी आउटलाइन निकालेंगे। तो इसी तरीके से हमें करना है, बहुत प्यारी डिज़ाइन बन जाती है और ये भी बहुत ही बढ़िया लगती है दिखने में। देखिए बहुत ही प्यारी बनी है। तो आपको किस मेथड से बनाना है आप उसी मेथड का यूज़ करिए और बहुत सारी ढेर सारी करंजी बनाइए। तो अभी मैं करंजी मेकर से ही बना रही हूँ। करंजी मेकर से करंजा बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैं इसी से अभी बना रही हूँ। आप अंदर का फिलिंग चेंज करके किसी भी तरीके का फिलिंग अपने पसंद से बना सकते हैं, जो जो आइटम आपको पसंद है उसे फिलिंग बना सकते हैं। और इसी तरीके की पूरी सिर्फ हमें बनानी है। और करंजा आप करंजी मेकर से भी बना सकते हैं, हाथों से भी बना सकते हैं, कौन सा आपको आसान लगता है उसी मेथड से आप बनाइए। तो किस तरीके की फिलिंग है उस पर डिपेंड होता है कि ये कौन सी करंजी है। तो बहुत सारी वैरायटी है इसमें, बहुत सारे अलग अलग फीलिंग से करंजी बना सकते हैं हम। तो यह ऑयल को मैंने गरम कर लिया है, हमें उबालना नहीं ऑयल को और इसमें हम छोड़ेंगे। तो सिंपल सा ऑयल गरम हुआ है, बहुत गरम है, उबाला हुआ ऑयल है तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाती है। हमें इसे ज़्यादा गरम नहीं करना और इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है इसकी और देखिए कितने फूले हैं, बहुत ही फूले फूले बने हैं, बहुत प्यारे दिखते हैं बनने के बाद। और इसी तरह हमें इसकी साइड्स चेंज करते रहना है। और गैस की फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता। तो और मैं फ्राई कर रही हूँ तो सारे मैं फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ। हम जब करंजा बनाते हैं उस टाइम हमें अच्छी तरह से इसे प्रेस करना है, नहीं तो ये ऑयल में डालने के बाद फट भी सकते हैं, इससे ऑयल भी गंदा होता है और हम जो करंजा और बनाने वाले हैं वो भी उसमें भी अलग सा कलर आता है। तो देखिए मैंने सारे फ्राई करके रखे हैं, बहुत ही बढ़िया कलर है इसका और बहुत ही प्यारे प्यारे करंजा बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं तिल और गुड़ की करंजी। तो मैं एक फोड़ के दिखाती हूँ कितनी खस्ती बनी है और फीलिंग भी देखिए। और देखिए फ्रेंड्स कलर भी परफेक्ट आया है, फीलिंग भी बढ़िया है। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा टेस्टी वर्ल्ड।